नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारा NIS बोर्ड होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और हमारा CBSE बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड, इन सब में डिफरेंसेस क्या है, इन सब में वैल्यूज का क्या सिस्टम है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं CBSE, NIS के, अदर बोर्ड के, तो उनका सेम क्वेश्चन होता है, सर इस बोर्ड की वैल्यू है, और वैल्यू है तो क्या वैल्यू है, क्या हम इंडिया में कहीं भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं, क्या हम आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो हमने पहले ही बताया था कि हमारे पास एक टीम है जो पूरी चीजों को रिसर्च करती है, और सब जो भी बार बार क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को इकट्ठा करती है और फिर एक वीडियो बनाते हैं कि जिसमें कि सारे बच्चों के डाउट उसमें क्लियर हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे CBSE, NIS और स्टेट बोर्ड को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर कर तो दिया। अरे भाई, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो नए बच्चे हैं, और जो पुराने हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर ले। कई बार वो ये बोलते हैं सर हमारे पास वीडियो नहीं आई, तो नीचे जब सब्सक्राइब जाओगे तो नीचे बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और दूसरा काम क्या है हमारा, हमारा जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप अपना नाम और अपनी क्लास व्हाट्सअप कर दें, चाहे आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी क्लास से, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको उस पर आंसर दे देगी। कई बार हो जाता है कि हमारा आंसर डिले हो जाता है, लेकिन आप उम्मीद करें कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा, हमारी वीडियो को शेयर कर दिया होगा, और हमारा जो चैनल पे बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दिया होगा, और हमारा जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है उसको सेव कर लिया होगा कि आपको फ्यूचर में एजुकेशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो के बारे में जो चीजें हमने बताई थी वो मैं बताता हूँ कि क्या है। देखिए, मैं CBSE, NIS और स्टेट बोर्ड सबका आपका नोटिफिकेशन दिखाऊंगा कि वो कैसे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, स्टेट बोर्ड चलाता है, तो मैं वन बाय वन आपको कंप्यूटर पर दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ कि NIS बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। आप इस चीज को बड़े दिमाग से रख लीजिए कि दोनों CBSE और NIS बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। और अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड, गुजरात बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारे जो बोर्ड हैं स्टेट वाइज, वो स्टेट के अंडर आते हैं। बात समझ में आ गया सिस्टम? और दिल्ली के अंदर जो चलता है वो चलता है CBSE बोर्ड। ऑटोमेटिकली जो दिल्ली का बोर्ड है वो CBSE के साथ मैच होता है, मतलब एडजस्ट होता है, यानी कि वो पहले से ही CBSE वहां पर फॉलो करते हैं। CBSE बोर्ड पूरे इंडिया में आप पढ़ सकते हैं, NIS बोर्ड आप इंडिया में पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड यूपी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, अगर कोई बच्चा यूपी में रहता तो वो एडमिशन वहां ले सकता है। लेकिन CBSE और NIS बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के, जब कोई भी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है तो ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया वो चल जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके मन में डाउट रहता है तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि वैल्यूज कैसे क्या है और क्या क्या उनके बायलॉज में लिखा हुआ है कि ये बोर्ड कैसे चलते हैं। तो जैसे ही आप CBSE की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अबाउट CBSE मिलेगा, तो इसमें पूरी हिस्ट्री है कि CBSE बोर्ड कैसे बना, क्या बना। 1921 में सबसे पहले ये बोर्ड सेटअप हुआ था, देखिए 1921 में, और ये राजपूताना सेंट्रल गवर्नमेंट ग्वालियर ने स्टार्ट किया। धीरे धीरे कर हिस्ट्री तो छोड़िए, फिर धीरे धीरे कर आगे चलकर क्या हुआ कि बोर्ड जो है वो उसकी जो ज्योग्राफिकल एरिया वो बढ़ा दिया गया। एज अ रिजल्ट कम, अदरवाइज दिल्ली बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली का था मर्ज विद सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के इस बोर्ड के साथ हो गया, और बाद में ये जो बोर्ड है फिर पूरा बोर्ड बन गया जिसके अंदर आप पूरे इंडिया के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, तो यानी कि भारत सरकार इसको चलाती है, ना कि स्टेट बोर्ड। बात समझ रहे? तो CBSE किसके लिए हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट का। आप समझ रहे? तो इसीलिए ज्यादातर हर शहर में CBSE के क्या है, स्कूल्स हैं, तो वहां पर आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अब यही बात आती है NIS की। अब देखिए NIS में क्या लिखा हुआ है, NIS बोर्ड में लिखा हुआ है NIS ओपन स्कूल नीड ऑफ, ये सब लिखकर मैं मेन पढ़ता हूँ। इट वॉज स्टार्टेड एज अ प्रोजेक्ट
flexibilities by the Central Board of Secondary Education in 1979, in 1986, National Policy on Education Open System, मतलब इस तरीके से ये यहाँ पर है, The Ministry of Human Resource Development, Government India set up the National, देखिए लिखा हुआ, Ministry of Human Resource Development, यानी ये जो Ministry of है, ये Central Government की होती है, इन्होंने set up किया National Institute 1989 में, The Pilot Process CBSE Open Search, ये सब आप समझ रहे हैं ना कि ये कौन सा बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है वहां पर ये एनएएस बोर्ड चलता है। तो यही बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भाई इन दोनों में कोई वो तो वैल्यू तो नहीं है, तो ये वैल्यू क्लियर हो गई आपको, दोनों बोर्ड होते हैं। नीट के लिए कई बार बच्चे नीट के लिए पूछते, तो नीट के लिए जजमेंट यहाँ आया हुआ है, इसी में पूरा ये नोट आप पढ़ लेंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये नीट के लिए जजमेंट की नीट के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, तो दे सकते हैं बिल्कुल, ये आप इसकी साइट पर जाएंगे वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो एनआईएस एंड सीबीएसई दोनों की वैल्यू बराबर होती है, आप बिल्कुल भी इसमें दिमाग ना लगाएं कि इसकी वैल्यू कम होती है, कहीं भी जाकर आप अपना पूरा एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज ये दोनों चीजें आपको बड़ी क्लियर हो गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, आपने देखा जो मैंने आपको कंप्यूटर में दिखाया, अपने सिस्टम पे दिखाया, उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि आपको एनएएस में एडमिशन लेना चाहिए, आपको सीबीएसई में एडमिशन लेना चाहिए, किसी भी बोर्ड में एडमिशन लेना चाहिए या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। हमारी टीम घर बैठे बैठे आपका फॉर्म भी फिलअप कर देगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी टीम से एडमिशन कराने से ये फायदा होता है कि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका एडमिट कार्ड, आपका एडमिशन, आपकी बुक्स, आपकी क्लासेस, आपके असाइनमेंट्स, आपके प्रैक्टिकल्स, इन सब के बारे में हमारी जो टीम है, जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं उनको टाइम टू टाइम वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, जिससे कि उनका साल खराब नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एनआईएस का एग्जाम दिया, अच्छा फॉर्म भरा और एग्जामिनेशन फीस भरना भूल गए, तो उससे क्या हुआ, उनका पूरा साल बर्बाद हो गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे की जो फेल हो गए थे, उनको प्रैक्टिकल एग्जाम देने थे, उसकी फीस जमा नहीं हुई, तो ये चीजों में बच्चे आप गलती करते हैं। हमारी टीम से आपको ये फायदा होगा कि हमारी टीम आपके लिए वो फॉर्म भर देगी और इग्नू कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी बोर्ड हो, एनआईएस हो, सीबीएसई हो, आप तक वो इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचा देगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान रखें, साथ साथ जो एनआईएस है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, वो भी आप ध्यान से सुने। मैं आपको ये समझा देता हूं कि सीबीएसई और एनआईएस बोर्ड की वैल्यू बिल्कुल सेम है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में रहते। आप एनआईएस बोर्ड से, बच्चे को ये होता है कि ओपन बोर्ड है, तो ओपन बोर्ड है तो उनको लगता है कि यार पता नहीं इसके अंदर वैल्यू होगी नहीं होगी। कई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर सीबीएसई बोर्ड की ज्यादा वैल्यू है। बच्चों ऐसा नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जब आप आर्मी में जाते हैं तो आर्मी में आपसे कहा जाता है कि आप 12th पास हो, फॉर एग्जाम्पल 12th पास की जॉब निकली हुई है, तो एक बच्चा सीबीएसई का जाएगा, एक बच्चा एनआईएस का जाएगा, लेकिन उनके नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा होता कि सीबीएसई वाला पहला जाएगा, ऐसा लिखा होता है कहीं? नहीं लिखा होता। सीबीएसई वाला बच्चा अपने डॉक्यूमेंट्स देगा, एनआईएस वाला बच्चा अपने डॉक्यूमेंट्स देगा, फिर उनका जो रनिंग का एग्जाम का जो प्रोसेस होता है, जो क्लियर करेगा वो पास हो जाएगा, वो आर्मी में भर्ती हो जाएगा। ऐसे ही कहीं और प्राइवेट में भी कहीं भी, दोनों बोर्ड की वैल्यू बिल्कुल सेम है, आप इस चीज को कंफ्यूजन से निकाल दें। कई बार बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर हम जो नीट का एग्जाम देते हैं, क्या नीट का एग्जाम एनआईएस वाले नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2018 में, कई बार बहुत बार ये इनको नहीं बैठने दिया गया था, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जो मैंने आपको दिखाया। तो आप एनआईएस से नीट का एग्जाम भी दे सकते हैं, आईआईटी का एग्जाम भी दे सकते हैं, जो सीबीएसई वाला बच्चे काम कर सकता है वो एनआईएस वाले पूरे पूरे काम कर सकता है। अब आती है बात विदेश जाने की, अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं और आपको बाहर 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, किसी और कोर्स में एडमिशन लेना है, तब भी इन दोनों बोर्ड की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। आप इसको दिमाग से निकाल दें बिल्कुल कि दोनों बोर्ड की वैल्यू ऊपर नीचे क्या है, दोनों बोर्ड की वैल्यू बराबर है। बस सीबीएसई का ये मकसद होता है कि वो रेगुलर है और एनआईएस का ये मकसद होता है कि वो ओपन लर्निंग है, यानी कि आप घर बैठे बैठे एग्जाम, मतलब आप पढ़ाई कर कर और एग्जाम देने जा सकते हो। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल, वो बच्चे इसको करते हैं, जो बच्चे काम कर रहे होते हैं या कहीं जॉब कर रहे होते हैं उसके साथ साथ 10th और 12th करनी होती है, ऐसे ही वो एनआईएस बोर्ड से करते हैं।
बच्चों इसी तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी होती है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आप इग्नू यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आप जामिया यूनिवर्सिटी की बात करें, तो सबके अंदर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होते हैं। हर यूनिवर्सिटीज के अंदर, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगर आप रेगुलर में एडमिशन लोगे तो रोज कॉलेज जाओगे, और डिस्टेंस जिसको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कहा जाता है उसमें आप अलग से एडमिशन लेते हो, उसमें आपको संडे संडे जाना होता है और आपके एग्जाम होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोसेस है कि कुछ कोर्सेज रेगुलर कराए जाते हैं और कुछ कोर्सेज डिस्टेंस से कराए जाते हैं, जिसको ओपन स्कूलिंग कहा जाता है। जैसे हमारा 10th और 12th है, तो NIS में भी 10th और 12th दोनों बोर्ड से कराया जाता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, फिर भी मुझे लगता है कि अगर आपको 10th और 12th में कहीं भी एडमिशन चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। आपको इग्नू में एडमिशन चाहिए, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तब जाकर आप एडमिशन अपने कोर्स में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूट है पिछले 10-11 साल से, बल्कि 2009 में हमने स्टार्ट किया था, तो 11 सालों से आपके साथ है, तो हमें काफ़ी चीज़ें का एक्सपीरियंस होता है। हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स आते हैं, तो आप हमें अपने जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा दे। ठीक है व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। फिर भी आपके मन में डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम आपको अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है व्यूअर्स, तो वही फिर से कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, हमारे नंबर को सेव कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।